दोस्तों कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो, ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है आप लोग जानते हो कि ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाने में क्या होता है, LDR सेंसर की ज़रूरत होता है। लेकिन ये आप देख सकते हो, मैंने किसी भी LDR सेंसर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक LED का इस्तेमाल किया है। ये एक नॉर्मली LED बल्ब है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। जो आप देख सकते हो इस वीडियो में, आप भी उसे आसानी से घर पर बना सकते हो। तो उसे कैसे मैंने बनाया, चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले BC547 का 2 ट्रांजिस्टर लिया, और उसके बाद मैंने एक बाज़ार को लिया, आप देख सकते हो एक बाज़ार को लिया छोटा सा, और एक 100K का एक रजिस्टर ले लेना है। उसके बाद एक LED ले लेना है, तो येलो LED ले लेना है, येलो कलर का लेने से अच्छा होता है। और मैंने 3.7 वोल्ट का एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी ले लिया, और अभी देखिए उससे कनेक्शन मैं वीडियो में जैसे करके दिखाता हूँ ऐसे ही आपको कर लेना है। देखिए इमीटर बेस और कलेक्टर, जैसे जैसे मैं इस सर्किट को बना रहा हूँ वैसे ही आपको बना लेना है। बहुत आसान है फ्रेंड्स इसको बनाना, आप इस वीडियो को देख कर आसानी से बना सकते हो इस सर्किट को। तो देखिए जो भी कंपोनेंट्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आप देख सकते हो, वैसे कंपोनेंट्स का आपका आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स देखिए ये सर्किट शायद आपका बहुत काम आ सकता है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको कुछ नॉलेजफुल लगा और कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में, इस वीडियो को देख कर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और साइड पे जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करके रखिएगा। और मेरा चैनल पे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, उसे भी देखना, शायद आपका कुछ काम पे आ जाए फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो सर्किट है ना, ये सर्किट बन के रेडी हो चुका है। तो अभी सिर्फ बैटरी का कनेक्शन करने की बाकी है। तो बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है, दोनों ट्रांजिस्टर का जो एमिटर जो पॉइंट है ना उसके साथ लगा लेना है, और बैटरी का पॉजिटिव जो है ना वो बाज़ार का पॉजिटिव के साथ लगा लेना है, और एक लाइट को ले लेना है। देखिए तो क्योंकि लाइट का भी ज़रूरत होगा। ये देखिए हमारा सर्किट है, और ये देखिए जब लाइट इसके ऊपर गिरता है ना तो ये हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, मतलब बाज़ार बंद हो जाता है, मतलब बाज़ार जो बाजरा होता है ना वो बंद हो जाता है। तो बीच में अगर कोई आ जाता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या होता है, बाज़ार चालू हो जाता है। देखिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को और जानने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।